नमस्कार खबर बार न्यूज के विशेष कार्यक्रम गलियारों से मैं आपका स्वागत है मैं हूं बालकृष्ण मुलोर आई है सबसे पहले बात करते हैं प्रज्ञा ठाकुर अब रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति में भी राजधानी की भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है उन्हें रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति में नामित किया गया है अब जब से ये खबर आई है विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर हो चली है इस समिति की अध्यक्षता स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और इसमें 21 सदस्य भी होंगे इसे प्रज्ञा को मिली माफी के बतौर प्रचारित किया जा रहा है जिसकी चर्चा हर गलियारे जमकर की जा रही है सरकार अपनी हो तो कुछ भी संभव है और वो काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हर बार ही करती नजर आ जाती है इस बार सरकार ने कुछ ऐसा ही किया जो सूबे के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया अब जब से ये खबर आई कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस बीजेपी की मौजूदा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अप्रैल 2017 में खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दे रखी थी उस सांसद प्रज्ञा दीदी को रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति के लिए नामित किया गया विपक्षी दल यानी कांग्रेस हमलावर हो चली इस समिति की अध्यक्षता स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं और इसमें 21 सदस्य भी होंगे इसे प्रज्ञा को मिली माफी के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है जिसकी चर्चा हर गलियारे हो रही है कहा जा रहा है भाजपा की ये सांसद दीदी लगातार विवादों में रही उनके लोकसभा में शपथ लेने के समय विवाद खड़ा हुआ उन्होंने अपना नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी बोला था इतना ही नहीं शपथ लेने के बाद उन्होंने भारत माता की जय भी बोला कांग्रेस समेत लोकसभा सदस्यों ने उनके नाम पर आपत्ति जताई बाद में स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद यह मामला शांत हुआ अब जब से साध्वी समिति के सदस्य नामित की गई तभी से कांग्रेस नेता बेलगाम हमले कर रहे हैं वो के हत्यारे नामित हुई, के निशाने पर है। और का बाजार गर्म सूबे की कमलनाथ सरकार संगठन के साथ मिलकर अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है पार्टी कार्यालय के गलियारों में इसी विषय पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है कहा जा रहा है इसके लिए कसावट लाने की जद्दोजहद कांग्रेसी गलियारों में शुरू हो गई है संगठन और सरकार की कोशिश है कि लगातार के कर प्रादेशिक स्तर पर सरकार के खिलाफ बिगुल फूका जाए और कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भर दिया जाए केंद्र में होने वाले प्रदर्शन में ऐतिहासिक भीड़ बढ़ाई जाए जिसकी चर्चा पार्टी कार्यालय के गलियारों में जमकर की जा रही है की कमलनाथ सरकार अपना एक साल का कार्यकाल एक माह बाद पूरा करने जा रही है लाख कोशिशों के बाद भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राज्य की नाथ सरकार को घास डालने को तैयार नहीं इसी बात से नाराज नाथ सरकार अपने संगठन के साथ मिलकर केंद्र की मोदी सरकार को एक्सपोज करने के काम में जुट गई पार्टी कार्यालय के गलियारों में अब केंद्र सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलनों की रूपरेखा तैयार करने का काम शुरू हो गया और इसकी कमान भी सीधे तौर पर सूबे के मुखिया कमलनाथ ने अपने हाथों में ले ली कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया अंदरूनी तौर पर आने वाले दिनों में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर रूपरेखा बनाने में जुटे हैं वहीं सूबे के नाथ इन प्रदर्शनों को धार देने का काम कर रहे हैं पार्टी कार्यालय के गलियारों से खबरें बाहर आनी शुरू हो गई कहा जा रहा है पार्टी पहले एक प्रदर्शन राजधानी के गलियारों में करने का मन बना चुकी है यह प्रदर्शन केंद्र की नीतियों के खिलाफ होगा और इसकी तारीख भी पच्चीस नवंबर तय कर दी गई इसी तारीख के साथ कांग्रेस संगठन आने वाले 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन की भी तैयारी कर लेगी जिससे 25 वाला प्रदर्शन संगठन के लिए पूर्वाभ्यास बतौर पहचाना जाएगा अब इन दोनों प्रदर्शनों को लेकर कांग्रेस की गलियारे बेहद गंभीर हो चले जिसकी चर्चा अब सुबह भर के गलियारों में होनी शुरू हो गई पार्टी इसके लिए बकायदा बड़ी भारी रणनीति के साथ मुद्दे भी तय कर चुकी है जिससे आम जनमानस को भी इस प्रदर्शनों का सीधे सीधे हिस्सा बनाया जा सके और सुबह के बाशिंदों में पूरी तरह से यह संदेश पहुंचाया जा सके कि केंद्र की के नरेंद्र मोदी सरकार सुबह की नाथ सरकार के साथ ही सुबह के बाशिंदों के साथ किस तरह किस हद तक भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है

पंडित जी ने इसी हैरानी के बीच अब एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें जनाब बेहद मार्मिक अपील कर रहे हैं जिसकी चर्चा सुबह भर के गलियारों में जमकर की जा रही है इंसान के दिन पलटते देर नहीं लगती कभी सुबह की राजनीति में सिरमौर रहने वाले पंडित जी यानी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा इन दोनों हैरान और परेशान दोनों दिखाई दे रहे हैं हनी ट्रैप में उलझी एक बाला के साथ उनका एक वीडियो वायरल हुआ और अब वो कहीं के नहीं रहे लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ पंडित जी ने अब अपनी ओर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर डाला जिसकी चर्चा हर गलियारे हो रही है इस वीडियो को जो भी देख रहा है कह रहा है एक समय के पावर स्टेशन रहे पंडित जी की आज क्या हालत हो गई पंडित जी अपलोड वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं मेरे क्षेत्र के नागरिक बंधुओं और मेरे सभी शुभ चिंतक आप सबको पता है कि मैं पिछले छह सात वर्षो से लगातार संघर्ष कर रहा हूं निर्वासित सा जीवन जिया है लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई में आप सब मेरे साथ रहे हैं षड्यंत्र ने बहुत षड्यंत्र रचे लेकिन संघर्ष की घड़ी में आप सब मेरे साथ खड़े रहे अब पुनः एक बड़ा षड्यंत्र हुआ मीडिया में कुछ सामग्री आई है जो संदिग्ध है निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ बड़े षड्यंत्री है षड्यंत्र करके मेरे सार्वजनिक जीवन को मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया इसकी जांच होनी चाहिए और षडयंत्र का पर्दाफाश भी होना चाहिए जहां तक मेरे संगठनों की बात है पूरी निष्ठा मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व मेरे संगठन मातृ संगठन और सभी संगठन के प्रति मेरी निष्ठा कल भी थी आज भी है और जीवन पर्यंत रहेगी ऐसा विश्वास दिलाता हूं बस इस संघर्ष के समय मैं आप सबका स्नेह आशीर्वाद चाहता हूं ऐसा ही स्नेह आशीर्वाद रहे और हम सब मिलकर इन संकटों से जूझेंगे और आप सबके आशीर्वाद से अच्छे परिणाम आएंगे अब

अंडा नहीं खा पाएगा उन्हें उतनी ही कीमत का फल दिया जाएगा अब जब से ये खबर आई है चर्चा का बाजार गर्म है कहा जा रहा है अंडा या फल पसंद आपके जो खाना है खाओ और स्वस्थ रहो लेकिन नाथ सरकार के इस पहल का विरोध भी हो रहा है जिसकी चर्चा हर गलियारे जमकर की जा रही है सूबे का महिला एवं बाल विकास विभाग नई नई योजनाओं पर काम कर रहा है ये काम कुछ लोगों को पसंद है तो कुछ को नापसंद लेकिन इस बीच सरकार ने वो तारीख तय कर दी जब सूबे में अंडा या फल वितरण का काम करेगी नाथ सरकार इस योजना पर हर साल 113 करोड़ रुपए खर्च करेगी सूबे की सरकार ने इस प्रस्ताव को बकायदा अपनी मंजूरी दे दी जिसकी चर्चा अब सूबे भर के गलियारों में होनी शुरू हो गई सूबे की कमलनाथ सरकार एक अप्रैल से सूबे की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार के रूप में बच्चों और महिलाओं को अंडे उपलब्ध करवाएगी जो बच्चा या महिला अंडा नहीं खाना चाहेंगे उन्हें उतनी ही कीमत का फल दिया जाएगा अब जब से खबर आई चर्चाओं का बाजार गर्म है कहा जा रहा है अंडा या फल पसंद आपकी जो खाना चाहो खा लो और स्वस्थ रहो लेकिन नाथ सरकार के इस पहल का विरोध भी हो रहा है सुबह के विपक्षी दल यानी भाजपा ने नाथ सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करना शुरू कर दिया सुबह में नाथ सरकार के इस पहल पर क्या नेता क्या आम जनता अपनी अपनी राय दे रही हैं। खास बात तो यह देश भर के अनेक राज्य जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं को अंडा दिया जा रहा है जबकि सूबे का विपक्षी दल यहां की मुद्रा में है इधर नाथ सरकार ने यह तय किया कि एक से तीन साल के बच्चों को अंडा नहीं दिया जाएगा बल्कि बच्चे की मां को अंडा दिया जाएगा नाथ सरकार अभी इस मामले में दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रही है कहा जा रहा है जो अंडा नहीं लेगा उसे उसी कीमत का फल भी दिया जाने का विचार है जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और अंत में बात करते सम्मान के मुस्तक आते आते सत्तर साल लगने की सूबे की राजधानी के भारत भवन में राज्य शिखर सम्मान का आयोजन हुआ और इस अलंकरण समारोह में साहित्यकार और कलाकार सम्मानित किए गए लेकिन इस शिखर सम्मान समारोह में इंदौरी राहत इंदौरी का दर्द छलक पड़ा और वह सरकार पर तंज कसते नजर आए कह गए सम्मान के मुस्तक आते आते सत्तर साल लग गए अब जब से राहत साहब की जुबानी ये बोल निकले हैं सूबे भर में चर्चा का बाजार गर्म है कहा जा रहा है राहत साहब सही जा रहे है ये तो बड़ी नाइंसाफी है कि जिस शख्सियत की दुनिया कायल है उन्हें सम्मान देने में इतनी देर कर दी गई जिसकी चर्चा हर गलियारे जमकर की जा रही है सूबे की राजधानी में एक बार ऐसा मंच सजा जहाँ राज्य शिखर सम्मानों का वितरण हुआ साल दो हजार सोलह दो हजार सत्रह और दो हजार अट्ठारह के लिए अलग अलग विधाओं में काबिल कलाकारों को सम्मानित किया गया सुबह की राजधानी के भारत भवन में जब राज्य शिखर सम्मान का आयोजन हुआ तो इस अलंकरण समारोह में साहित्यकार और कलाकार सम्मानित किए गए इस शिखर सम्मान समारोह में जैसे ही इंदौरी राहत साहब का सम्मान हुआ तो उनका दर्द छलक पड़ा और वो पिछली सरकारों पर तंज कसते सुने गए कह गए इस सम्मान को मुझ तक आते आते सत्तर साल लग गए अब जब से राहत साहब की जुबानी ये बोल निकले सुबह भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है कहा जा रहा है राहत साहब सही जा रहे हैं ये तो बड़ी नाइंसाफी है जिस शख्सियत की दुनिया कायल है उन्हें सम्मान देने में सरकारों ने इतनी देर क्यों की जिसकी चर्चा हर गलियारे हो रही है वो बड़े दिल के साथ ही ये भी बोल गए मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं उन लोगों के साथ मुझे भी शुमार किया जो पहले से सम्मानित और महान है उन्होंने ये भी कहा सरकारें मुझे कभी पसंद नहीं करती उन्होंने यहां कमलनाथ सरकार की तारीफ करने से पहले एक शायरी पढ़ी और कहा कि एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है इस शायरी के बाद उन्होंने सम्मान देने को लेकर कमलनाथ सरकार की तारीफ की और कहा कि इस बार सरकार की नीयत देखी सरकार की नीयत बिल्कुल सही है इसलिए मैंने यह सम्मान कबूल किया अब जब से इंदौरी राहत साहब ने अपने सच का मुजाहरा पेश किया उनके कहे की सुबह भर में चर्चा है कहा जा रहा है राहत साहब को यह सम्मान दश को पहले ही मिल जाना चाहिए था सो अब जाकर मिला ऐसे में राहत साहब की कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया आनी थी सो आ गई जिसकी चर्चा आप क्या उर्दू क्या हिंदी दोनों के साहित्यिक मंच शेयर करने वाले चर्चावीर कर रहे हैं कह रहे हैं चलो देर आए दुरुस्त आए राहत साहब को राज्य का शिखर सम्मान तो मिला इसकी चर्चा अब हर गलियारे जमकर हो रही है खबर न्यूज के विशेष कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते गलियारों से के आजकल में इतनी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए खबर न्यूज